नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम गवाहों की सुरक्षा पर कानूनी जानकारी देंगे। गवाह किसी भी केस में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी केस की हार जीत सबूतों और गवाह के ऊपर ही निर्भर करती है, लेकिन कई बार गवाह को डरा धमका कर केस को कमजोर कर दिया जाता है। सैकड़ों ऐसे केस हैं जो गवाह के ना होने से चल नहीं पाए। सैकड़ों केसों में डर कर गवाहों ने केस में गवाही नहीं दी और गुनहगार छूट गए। कई बार डर या धमकी से गवाह अपने बयान से पलट भी जाते हैं। ऐसे में गवाहों की सुरक्षा अहम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपाय नहीं है। भारत का कानून गवाहों की सुरक्षा का भी इंतजाम करता है। अगर कोई भी गवाह को धमका के फिर झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाता है, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 195A के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। अदालतों ने भी गवाहों की सुरक्षा पर अहम पहल की हैं। आज हम गवाहों की सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर आपको जानकारी देने वाले हैं। गवाहों की सुरक्षा पर तमाम जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो आप फोन कर नमस्ते सर, आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं। दो फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन दोनों नंबर में आप किसी भी नंबर पर डायल कर सकते हैं। गवाहों की सुरक्षा पर कानूनी जानकारी के लिए आप आज कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले आज हम गवाहों की जो सुरक्षा है उसको लेकर ही आपसे बात करना चाहेंगे। हमारे तमाम दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि विटनेस प्रोटेक्शन यानी गवाह की जो सुरक्षा होती है वो क्या होती है। देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि किसी भी केस में और विशेष तौर पर जो क्रिमिनल केस जो होता है, उस क्रिमिनल केस के अंदर जो गवाह है उस गवाह की कितनी अहमियत होती है। जी, क्रिमिनल केस होता है उसके अंदर जितनी भी जो गवाही होती है वो सामान्य से सारी की सारी गवाही जो होती है वो ओरल होती है, मौखिक होती है। और जब गवाही मौखिक होती है तो ऐसी स्थिति में जो गवाह है उसकी अहमियत कानून में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी वो जिस तरीके से बातों को कहता है उसका कहना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सारी चीज जो है कहीं लिखित में नहीं होती है। हालांकि ऐसा भी प्रावधान है कि जिन केसेस के अंदर आईओ को लगता है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को लगता है कि हाँ गवाह के जो बयान है वो मैं अपने पास कलमबंद कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं चाहूँ तो मैजिस्ट्रेट के पास भी गवाह के बयानों को मैं करा सकता हूँ, तो ऐसी स्थिति में जो गवाह का बयान जो है वो 164 और 164 दर्ज कराया जाता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो गवाह की जो स्थिति है वो क्रिमिनल ट्रायल में और इवन कई बार सिविल ट्रायल के अंदर भी कुछ गवाह की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में गवाह कोर्ट में सुरक्षित पहुंचे, गवाह कोर्ट में आए बिना डरे, बिना धमकाए और बिना किसी पक्षपात के गवाह गवाही दे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गवाह की सुरक्षा पर। गवाह को ये विश्वास हो कि जब वो निष्पक्ष गवाही देगा तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो गवाह सुरक्षा है वो गवाह की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। समय समय के ऊपर न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी जो गवाह सुरक्षा स्कीम जो है उसके ऊपर काम किया जाता है और कोशिश की जाती है कि गवाह, क्योंकि गवाह के बिना एक तो सबूत और एक गवाह, सबूत तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है वहां पर गवाहों के बिना केस को चलाना मुश्किल हो जाता है, या कहें तो जस्टिस पाना या न्याय पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में गवाहों की सुरक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है और पार्लियामेंट भी और इवन हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमेशा कोशिश करते हैं कि जो गवाह सुरक्षित कोर्ट पहुंच सके। और उसके लिए जो स्कीम बनाई जाती है कि गवाहों को घर से सुरक्षित गाड़ी में लेके लाया जाए, उनको दोबारा में छोड़ा जाए, और अगर मान लीजिए जब तक वो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल के बीच में उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, और इवन बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसके अंदर अगर ऐसे रखते हैं कि गवाह को गवाही देने के बाद एक स्थान से परिवर्तन करना है,
दूसरे स्थान पर लेके जाना है, नई पहचान देनी है, तो सारे का सारा जो है वो गवाह सुरक्षा स्कीम के अंदर ये सारी कार्रवाई उसी का ही हिस्सा है जी। गवाहों की जो सुरक्षा है, जो स्थिति है उसको लेकर तो यहाँ पर सर आपने बताया, लेकिन दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए, बहुत सारे शायद दर्शकों को ये जानकारी नहीं होगी कि आखिरकार गवाह किन्हें कहा जाता है, गवाह कौन होते हैं, तो इस परिभाषा को भी क्लियर करिए। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में एक शब्द है जिसको हम अगर अंग्रेजी में समझे तो रेलेवेंट जी, रेलेवेंसी, एक आदमी किसी भी जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो ट्रायल चल रहा है, उसमें कितना रेलेवेंट है। सामान्य तौर पर हम गवाह उस व्यक्ति को मानते हैं जो उस गवाह उस मामले से संबंधित जो सबूत है, उस मामले से संबंधित जो तथ्य है, उन तथ्यों को वो सामने रखता है। वो व्यक्ति जो उस मामले को सही दिशा में साबित करने के लिए, सही दिशा में कोर्ट उसको साबित करे और उस गवाही की गवाही जो है उस कोर्ट को उस निर्णय को पाने में इम्पोर्टेंट है। गवाह वो ऐसे तथ्य सामने लेकर कोर्ट के अंदर आए जिससे कि जज को उस विषय के ऊपर फैसला करने में उसको आसानी हो जाए। गवाह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक व्यक्ति एक पक्ष ये चाहता है कि मैं अपनी बात को साबित करना चाहता हूँ और मैं अपनी बात को साबित करने के लिए उस गवाह को पेश करना चाहता हूँ। फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रिमिनल केस के अंदर जो विक्टिम होता है या फिर आई विटनेस होता है उसको एज ए गवाह पेश किया जाता है। डिफेंस के अंदर जब मान लीजिए कोई एक्टिविटी था, वो चाहता है कि मैं ये साबित करूं कि मैंने अपराध नहीं किया और ये लोग जो है मेरे गवाह जो ये साबित करेंगे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मैं बड़ा समय पर कहीं और था या उसके बाद और कोई तथ्य है वो अपनी बात को साबित करने के लिए। तो ऐसे सारे व्यक्ति सब गवाह कहलाते हैं जिनके लिए जिनकी कानून की हम बात करते हैं। कानून के हिसाब से ना तो उनकी उम्र महत्वपूर्ण है न उनकी स्थिति महत्वपूर्ण है। कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, तो कोई भी व्यक्ति जिससे कि जिससे को उस मामले का जो निर्णय है वो सही हो पाए, वो फेयर ट्रायल हो पाए, वही जो है वो व्यक्ति गवाह कहलाता है। सर ये भी बताइए जो गवाह होते हैं उनके हक क्या कुछ होते हैं। देखिए जैसे गवाह की जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा होती है, तो गवाह के कुछ हक ये होते हैं कि जब गवाह गवाही देने आता है तो उसका उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है, कोर्ट जज जो व्यवहार करता है वो उनको एक तरह से बहुत गरिमापूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार करे, क्योंकि वो उस जो हमारा जुडिशियल प्रोसीजर है वो उसको आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। गवाह एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों में से किसी पार्टी का इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि केवल तथ्य सामने लेके आ रहा है। गवाह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि समाज की जो ये न्याय व्यवस्था है, इस न्याय व्यवस्था को आगे चलाने के लिए आ रहा है। गवाह एक ऐसे व्यक्ति जो जान सकता है उसके हुई ये जो केस जिस केस में वो गवाही देने आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग अब तक क्या हुई और उसको जो गवाही उसने दी थी पहले, अगर मान लीजिए गवाह का ये भी अधिकार होता है कि जो मान लीजिए कुछ कोई गवाही उसने कुछ समय पहले दी थी और उस गवाही को देने में जब कोर्ट में ट्रायल आता है उसके लिए साल, दो साल, तीन साल, चार साल हो जाते हैं, तो गवाह को ये भी हक है कि अपनी मेमोरी जो है वो उसको रिफ्रेश कर सकता है, उसको तो अपनी गवाह अपने बयान को दोबारा पढ़ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गवाह को अपने हक के रूप में पेश होती है। अगर वो मान लीजिए महिला विटनेस है तो उसको ये भी हक है कि अपनी पहचान को वो गुप्त रख सकती है, या वो अगर कोई गवाह ऐसा है कि उसको लगता है कि वो बीमार है या बुजुर्ग है तो वो खड़ा नहीं रह सकता तो कोर्ट में उसको बैठने का भी अधिकार होता है। गवाह ये है कि अगर वो मान लीजिए उसको बीच में लगता है कि मुझे पानी भी पीना है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट भी चाहिए, तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं होती है ये गवाह के हक होते हैं। कि गवाह को इवन अगर मान लीजिए कोई गवाह दूर से आता है जी, तो उसके आने आने का जो खर्चा होता है कि उसको डाइट मनी बोलते हैं वो भी जो है कोर्ट उनको प्रदान करता है। तो सारे के सारे हक जो है एक गवाह के हक होते हैं जी। ये तो यहाँ पर हो गई जो गवाह के हक होते हैं, जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं उसको लेकर सर बात। लेकिन अगर गवाह को जान का खतरा है तो वो क्या करे इस सिचुएशन में। देखिए जब भी किसी गवाह को ऐसा लगता है कि उसको जान का खतरा है, निश्चित तौर पर अगर जो उसको जान का खतरा लगेगा तो जिस केस में वो गवाही दे रहा है उसकी जो अपोजिट पार्टी होगी वही उससे उसको जान का खतरा होगा। तो सबसे पहले तो उसके पास यह अधिकार है कि जो उस केस का जो संबंधित पुलिस अधिकारी है या जहां पर वो रहता है वहां का जो पुलिस स्टेशन है वहां पे वो इस बात की जानकारी दे सकता है कि मुझे लगातार जो इनका खतरा है मुझे मेरी जान दे सकता है। इसके अलावा जो कंसर्न कोर्ट है वो कंसर्न कोर्ट में भी इवन जरूरी नहीं कि जिस दिन गवाही की डेट हो उस दिन जाके वो बात करे, इसके अलावा भी कोर्ट में जाके अपने ऑफिशियल लगा सकता है कि मुझे लगातार जान का खतरा है, मुझे धमकी आ रही है, तो उस पे भी कोर्ट एक्शन ले सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बेल कोई मुलजिम है
जो कि बेल के ऊपर आ गया है वो आने के बाद गवाह को डरा रहा है, धमका रहा है, पर ऐसी स्थिति में भी जो है गवाह कोर्ट में जा सकता है कि भाई ये जो मुलजिम है मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट उसकी बेल को कैंसिल कर देता है। इसके अलावा कोर्ट ये भी डायरेक्शन दे सकता है कंजेक्ट पुलिस स्टेशन को कि जब तक इस व्यक्ति गवाही नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसको घर से लेके आया जाए, इसको घर छोड़ा जाए। इसके अलावा जितने दिन अगर ट्रायल रुका हुआ उस दिन भी अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए तो उसको सुरक्षा प्रदान कराई जाए। सर ये भी बताइए कि गवाहों की सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट के क्या कुछ निर्देश हैं? देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के और हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी समय समय पर जो बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, ये नए निर्देश हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पॉइंट पे जब भी डिफरेंट डिफरेंट केसेज आए, आसाराम बापू केस आया और बहुत सारी चीजें आई, तो लगातार गाइडलाइन आती रही है कि जो गवाह है सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर जिसका काम ये है कि गवाह को कोर्ट में लेके आना है, तो सबसे पहले वो पुलिस ऑफिसर काम ये होता है कि वो एक विश्वास को पैदा करे कि गवाह को उस व्यवस्था पर विश्वास हो। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है गवाह जब कोर्ट में आता है गवाह की बड़ी इम्पोर्टेंट है, गवाह की कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। जैसे आशाराम बापू वाले केस में पॉक्सो केस था और महिला की गवाही थी, या मान लो और बहुत सारे केसेज होते हैं जिसके अंदर छोटे बच्चों की गवाही होती है, पॉक्सो वाले केसेज के अंदर होते हैं, तो जो बच्चे मान लो 12 साल का, 13 साल का, 10 साल का, 11 साल का जो बच्चे हैं, और वो कोर्ट का जो माहौल है उस माहौल से ही थोड़े से डर जाते हैं, तो सबसे पहले ऐसे गाइडलाइंस दी गई कि कोशिश की जाए कि बच्चे जो है या जो और बाकी लोग हैं वो मतलब जो कोर्ट में आए तो बहुत फेमिलियर हो, उनको ये पता हो कोर्ट में आया जा रहा है, वो बहुत आसानी से उनसे सवाल पूछे जाएंगे, उनको परेशान नहीं किया जाएगा। एक पुरानी मानसिकता जो है लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी का ऊपर नहीं चढ़ना या ऊपर जाना नहीं है, परेशानी होना है या बार बार उसको बुलाया जाएगा, या मान लीजिए बहुत सारी रूप में फिल्म देखते हैं कि हाँ भाई महिला के ऊपर अगर जब गवाह के रूप में पूछा जाएगा तो बहुत अलग सवाल पूछे जाएंगे, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कई बार कोर्ट में डिफरेंट कोर्ट में डिफरेंट हाई कोर्ट में हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे दिशा निर्देश जारी किए थे जिससे कि गवाहों को न केवल सुरक्षा हो बल्कि गवाहों का विश्वास जो है हमारे सिस्टम में पैदा। ये तो विश्वास की यहाँ पर बात हुई, लेकिन व्यवस्था को लेकर भी मैं आपसे यहाँ बात करना चाहूंगी सर। क्या खतरे में रहे गवाहों के लिए गवाही के लिए खास व्यवस्था की जाती है, किस तरह की व्यवस्था होती है? देखिए जो खतरे में रहे गवाह को अगर बात करते हैं या मैं समझूंगा अगर आप वल्नरेबल विटनेस की बात करना चाहते हैं जी, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी अगर उसको हम एक सही शब्द में इस्तेमाल करें तो आप उसको ज्यादा बेहतर शब्द अगर हिंदी में इस्तेमाल करें तो आप समझिए कि नाजुक विटनेस कहा जाता है। ऐसा विटनेस जो कि गवाही देते वक्त उसको किसी न किसी कानूनी सहारे की आवश्यकता है, यानी ऐसा विटनेस जो कि बच्चा हो सकता है, जरूरी नहीं है वो महिला हो, यानी फीमेल हो, वो मेल भी हो सकता है, कि बच्चा घर का 10 साल का 12 साल का लड़का भी हो सकता है एक, और कानून के तहत 18 साल के जो बच्चे होते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पॉक्सो के केस में वो वल्नरेबल विटनेस माने जाते हैं। इसके अलावा ऐसे जो पुरुष है, ऐसी महिलाएं जो शारीरिक रूप से कमजोर है, जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा बुजुर्ग आदमी है और वो कोर्ट की सीढ़ियां चल के ऊपर नहीं जा सकता, या जो कोर्ट का जो जिस तरह की व्यवस्था उठने बैठने के लिए वो वहां नहीं बैठ सकता, तो ये सारे जो विटनेसेस होते हैं इनको वल्नरेबल विटनेस बोला जाता है, और कोर्ट कोशिश करता है कि इनकी विटनेस को इनकी जो गवाही है उसको लेने के लिए वो सुविधा प्रदान हो सके जिससे कि सच जो है इन विटनेस से सामने आए। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे जो वल्नरेबल विटनेस जो रूम होता है वो आम रूम से अलग रूम होता है, वहाँ पे जो व्यवस्था होती है वो भी अलग होती है, वहाँ पे जो मुलजिम होता है पॉक्सो वाले केसेस के अंदर उस मुलजिम को भी जो है अपराधी को भी उस वल्नरेबल विटनेस के सामने पेश नहीं किया गया था, वो विटनेस जो होता है वो ऐसे कमरे के अंदर होता है जिसके लिए आराम से सोफा लगा होता है, कुर्सी लगी होती है, वो बैठ सकता है। इवन आप देखेंगे अगर छोटे बच्चे होते हैं तो जो पॉक्सो के जजेस होते हैं जैसे कई बार वो चॉकलेट ऑफर कर देते हैं या मान लीजिए कोई ड्रॉइंग करना चाहते हो जिससे कि विटनेस का विश्वास हो और वो कंफर्टेबल हो जाए। जब विटनेस कंफर्टेबल हो जाता है, जब उस कोर्ट को ये लगता है कि हाँ अब विटनेस जो है वो कंफर्टेबल हो गया है और जो सही तथ्य है वो कोर्ट के सामने पेश कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वल्नरेबल विटनेस कराया जाता है। और एक बहुत विशेष बात ध्यान रखी जाती है कि अगर आपको लगता है कि वल्नरेबल विटनेस जो है उनकी आइडेंटिटी को
डिस्क्लोज वो नहीं करना चाहते तो उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होती। इसके अलावा एक प्रोसीजर और है हमारी गवाही कराने में कि मान लीजिए कोई विटनेस ऐसा है जो विटनेस कोर्ट ही नहीं आ सकता जी, या मान लीजिए कोई विटनेस कोर्ट में कोई गवाही जो बहुत ज्यादा गवाही है तो ऐसी स्थिति में जो जज के पास हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं और वो सिविल केसेस के अंदर क्रिमिनल केसेस के अंदर भी एलसी अपॉइंट होता है जिसको हम लोकल कमिश्नर बोलते हैं जो कि उस जज की देखरेख में काम करता है। वो अलग से विटनेसेस की जो एविडेंस है जो गवाही है उसको रिकॉर्ड कर सकता है जिससे कि वो काम अगर वो मान लीजिए जज को ऑर्डर देता है कि आप घर जाइए वो विटनेस घर से उठ के नहीं आ सकता तो वो विटनेस वहां जा सकता है वहां गवाही कर सकता है। इवन बहुत सारे कई केसेस में ऐसे होता है कि जज भी उठ के जो है वहां जाते हैं किसी मुलजिम के पास जाते हैं वो गवाह जो है वो नहीं चल सकता। तो सारी की सारी जो व्यवस्था है सारी की सारी व्यवस्था का आधार यही है कि गवाह जब कोर्ट में आए कंफर्टेबल हो और जो सही तथ्य जो है वो कोर्ट के सामने आए जिससे कि न्याय हो। जी, आज के विषय पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिपाल सिंह जी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।